इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं आसान से लड्डू। इसे आप किसी भी त्यौहार में आसानी से बनाकर खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक कटोरी ड्राई रोस्ट किए हुए मूंगफली को लिया है, एक कटोरी सादा तिल लिया है, इसे भी हमने रोस्ट कर लिया है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं तिल को। फिर हमने गुड़ लिया है, इसे भी आप अपने मिठास के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम मिक्सर में बादाम और तिल को डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें गुड़ को डालेंगे। गुड़ को हमने अच्छे से मैश कर लिया है, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। आधा चम्मच कुटी हुई इलायची डालेंगे, फिर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने मिक्सचर को प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसमें एक चम्मच घी डालेंगे। फिर हाथों की मदद से अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम लड्डू बनाएंगे। हमने एक लड्डू तैयार कर लिया है, इसी तरीके से हम बाकी लड्डुओं को भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने सभी लड्डू को बना कर तैयार कर लिया है। इस लड्डू को बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे किसी भी त्यौहार पर झटपट बनाकर खा सकते हैं। इस मकर संक्रांति पर आप इस लड्डू को ज़रूर बनाएं। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।